कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही है। कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी को पानी पीकर कोसने वाली कांग्रेस को ठीक होती अर्थव्यवस्था से परहेज है। कांग्रेस ने जीडीपी के नए आंकड़ों को महज बाजीगरी करार दिया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में अर्थव्यवस्था में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम जनता बेहद परेशान है। बढ़ती महंगाई और कम विकास होने से जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि जीडीपी के जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। सुरजेवाला ने तर्क दिया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2020-21 के लिए जीडीपी दर को अब -8% कर दिया है, जबकि पहले -7.7% का अनुमान लगाया गया था। सुरजेवाला ने ये दावा भी किया कि CSO ने जो अनुमान लगाया है अर्थव्यवस्था उससे भी बदतर प्रदर्शन करेगी। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। सुरजेवाला ने कहा कि देश में महामारी के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई दर में लगातार इजाफा हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि दावे के विपरीत केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए आंकड़ों के लिहाज से निजी उपभोक्ता खर्च 21.2 लाख करोड़ रुपए है, जो कि साल दर साल के आधार पर 2.4% कम है। हालांकि सुरजेवाला राजनीति करने के लिए भले ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विश्लेषक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी को अच्छा संकेत बता रहे हैं और इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।